और यहाँ पे सबका टेल्ट आईडी नहीं, सबका मोड गार्ड रिमूव कराया जा रहा है। मेरा भी हो गया है देखो, और अपना मिस्त्री तो आप पहचान रहे होगे। सकल दिखा मिस्त्री, नहीं दिखा दिखाओ कैप्टन है। देख रहे हो ना, पूरा एलंकी विलंकी लेके घूमता है लड़का। घूमते रहे, हमको बोला गया था पकड़ने के लिए। देखो लास्ट ओगी का टायर अगर खुल रहा है उसके बाद हम लोग निकलेंगे। चल अंकित सबको अंदर कर, बेच देना सही में। हम टायर अगर कभी अंकित का रूम में रखते हैं, कभी एलिस का में, कभी गैराज में छोड़ देते हैं। मेरा टायर अगर ही बोलता होगा मालिक क्या करते हैं जी आप, कभी यहाँ छोड़ देते हैं कभी वहाँ छोड़ देते हैं। चलो भाई ऑल सेट। टायर अगर खुलने के बाद तो भाई बाइक की जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है। सब खुलवा लिया भाई टायर अगर, एनल भाई निकलवाए हैं क्योंकि अगर वो खुलवा लिए ना तो उनके पापा उनको बुझा देंगे। एक चीज हम बोल दे रहे हैं यहीं पे, एलविस लोग रहेगा आगे क्योंकि ये लोग आना जाना करते रहता है टाइम टू टाइम। हम लोग कभी कभी जाते हैं एंड तुम लोग तो गया ही नहीं है एक भी बार। सो ये लग रहेगा आगे, ठीक है आप लोग बीच में रहिएगा, हम पीछे रहेंगे। कोई स्टंट नहीं करेगा, कोई रस राइडिंग नहीं करेगा, ठीक है। गद्दारी कोई नहीं करेगा। स्टोरी डाल रहा है, ओह डालो डालो। वैसे भी दोस्तों का वो भी तो जलाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन खुला है बता देना क्या जलाना होता है। हम लोग को निकलना था थोड़ा जल्दी, बट जल्दी उठना बहुत टफ हो जाता है हम लोग के लिए। सबको रात में लेट से सोता है और नींद पूरा होना भी जरूरी है। अगर राइड पे जा रहे हो और नींद पूरा नहीं हुआ है तो भाई बहुत रिस्की है। एंड अर्ली मॉर्निंग उठने का ना एक फ़ायदा है कि आप दिन भर फ्रेश रहते हो। तो यहाँ से हम लोग भराने वाले हैं फ्यूल। आधे लोग आगे बुला रही है, जाओ। हाँ हम लोग जा रहे हैं नेतरहाट। वहाँ पे जीरो वीरो वाला सीन नहीं ना है, गेज गेज वाला काम नहीं ना है, ठीक है। मतलब लड़की लोग पे भरोसा कर सकते हैं? अरे लड़की लोग पे ही तो भरोसा नहीं होता मैडम। इमोशनल डैमेज नहीं कटा है ना, अब भी कटा देखो, हम छुएर कटा। आपके हाथ में जादू है। एज ए राइडर अगर आपके पास कुछ हो ना हो, फुल टंकी होने को मांगता है। ये देखो सुकून एनल भैया, अरे ये भी फुल टंकी करा ली है भाई, अंधा पैसा है इनके पास भी। ओगी का, अरे ओगी भी फुल टंकी, तुम भी फुल टंकी है। अंकित का भी देख के आते हैं, अरे ये भी फुल टंकी करा लिया, देख रहे हो। यहाँ तो बात धीरे धीरे चलने की हुई थी भाई, ये लोग तो पूरा 80 प्लस जा रहा है एकदम। वैसे खाली रोड है तो यहाँ पे चल सकते हैं, और पहली बार हम अपना ग्रुप के साथ ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं। लॉन्ग ट्रिप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि छोटा सा ही ट्रिप है, 150 किलोमीटर के अंदर में आ जाता है नेतरहाट। गद्दारी कर वे, गद्दारी कर वे। तो अमित और बसंत आया है गुमला से, ये लोग भी हम लोग के साथ ज्वाइन करने वाला है, ज्वाइन करने वाला है, ज्वाइन। अरे गद्दारी करता है ये लोग। अरे 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 अलग सीन चालू है भाई, देख रहे हो क्या लीन चल रही है भयंकर। अरे भाई क्या खतरनाक लीन मार रहा है, देख रहे हो ना, हमको देख के मजा आ रहा है भाई। ये तो बस ट्रेलर था, ट्रेलर पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्त, अभी मेन घाटी तो बाकी है। नेतरहाट है यहाँ से 24 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं। पहले तो इधर का क्या बोले, व्यू चेकआउट करो, खतरनाक। ओगे लोग पहली बार आया तो ये लोग को तो मज़ा आ रहा होगा। अरे ये हम लोग पहुँच चुके हैं बनारी, और अब टाइम आ चुका है कि हम लोग लंच करें क्योंकि भूख भी लग रही है और थोड़ी बहुत धूप भी, प्यास भी लग रही है भाई। चलो भाई कुछ खा लेते हैं हम लोग, भूख लगी है।
ये है पापड़, ठीक है, ये है राइस, ये है दाल, ये है क्या है यार, ये एक करी, आलू भुजिया, और ये कोई सब्जी है, और ये पिकल। अरे भाई ये बॉक्साइड वाला ट्रक तो भाई डरवा देता है, अचानक से आता है एकदम। ये जगह कुछ अलग ही है, जगह बहुत खास जगह ही है। नहीं वो बंदर को खिलाने के लाया था ना तुम, पार्ले जी को खिलाओ यार, कम थोड़े है। अरे ऐसे कैसे चला जाए, लाइफ हो तो ऐसी हो। जिसके जिसके साथ हम चाह रहे थे कि हम नेतरहाट आए काफी समय से, अभी वो सब कोई है। नेतरहाट में आपका स्वागत है, सिरसी मोड़ बोलते हैं इसको। शायद से अब हम लोग पहुंच ही गए हैं, अब ज़्यादा दूर नहीं है, नेतरहाट 1 किलोमीटर, मतलब आप पहुंच ही गए हैं। यार अपने बॉयज़ को देख रहे हो ना, क्या लीन मार रहे हैं एकदम खतरनाक टाइप से। हम पीछे इसीलिए हैं ताकि हम सारा एंगल कैप्चर कर सके। ओए कोई किसी का लेन में नहीं घुसेगा जबरदस्ती, सब अपना अपना चलेगा। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग नेतरहाट, झारखंड का गौरव, नेतरहाट में आपका स्वागत है। अरे कहाँ कर रहा है भाई तुम? तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल, उसके बाद हम लोग जाएंगे सनसेट देखने। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। बार बार माइक चेक करना पड़ता है मेरा। अभी हम लोग जा रहे हैं मस्त सनसेट देखने, ठंडा लग रहा है भाई। डॉगी हबक देगा लग रहा है। यहाँ पे भी धान की खेती लगी हुई है, इतना ऊपर ये जगह है ना, बहुत हाइट पे है। खूबसूरत, अत्यंत खूबसूरत। और इधर पता नहीं कोई फूल लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है। देखो देखो कोई हमको ओवरटेक करते हुए, होगी दा ब्लॉगर। पिछले बार जब आए थे उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बट इस बार थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, जो कि अच्छी बात है। जितना खाली रहेगा उतना ही सही, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे हम लोग। बट अभी टाइम भी नहीं हुआ है, आई गेस बाद में भीड़ हो सकता है। देखो हम लोग इसको अंकिता नहीं बुलाते हैं, लेकिन आप लोग इसको अंकिता बुला रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है अंकित। जब आए थे तो पूरा खाली खाली सा था, बट अब देखो। और वहाँ पे होने वाली सनसेट थोड़ा सामने से दिखाते हैं आप लोगों, यहाँ से तो दिखेगा भी नहीं। होगी तुम ना बहुत रिस्की जगह में बैठे हुए हो, तुम वहाँ अच्छा जगह बैठे हुए हो। अजी घंटा, तुम गलत जगह में बैठे हो, नीचे देख रहे हो ना कितना गड्ढा है। हेलो गाइस, अंकित का स्माइल देख के पता कर सकते हो कि कितना ज्यादा खुश है यहाँ आके। कितना खुश हो बताओ? अरे भाई बता नहीं सकते इतना खुश है। अरे तो बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। कितना खुश हो, मतलब परसेंट बता दो। बहुत। 100 में कितना परसेंट दोगे? 100 में वही 99। अरे भाई तो 1% कहाँ गया भाई? 1% बाद में यहाँ से दिखेगा थोड़ा थोड़ा। ये तो देखने आए हैं, इधर देखने आए हैं। आईफोन 14 चमका रहा है, देख रहा हूँ ना अमित। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है
पहाड़ में अभी छिप जाएगा देखना थोड़ी देर बाद। ओए अंकित तेरा टोई आ रहा है, तेरा टोई आ रहा है, तुम बैठ जाओ। हाँ अब ठीक है। नहीं आया हमको, बिल्कुल पसंद नहीं आया। आधा चीज दिखा रहा है। तो देखो भीड़ खत्म हो चुकी है, यहाँ की सनसेट भी हो चुका है, देख रहे हो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने। ये ऐसा जगह है ना जहाँ सालों भर आपको ऐसे ही भीड़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आते हो ना तो भाई कम से कम एक हुड्डी पहन लो और साथ में एक छोटा कंबल, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सालों भर ठंडा रहता है अगर आप आते हो तो। सो उस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप नेत्रहाट का भी ट्रिप प्लान करते हो तो। अब हम लोग जाएंगे और खाएंगे, सो जाएंगे। सुबह उठना पड़ेगा अपने को 4 या 5 बजे, क्योंकि ये सनराइज देखने के लिए अर्ली मॉर्निंग ही जाना पड़ता है। एंड अर्ली मॉर्निंग उठने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, हम उठ ही नहीं पाते हैं। कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठने की, वैसे भी ये लोग उठा ही देगा, कोई ना कोई तो उठेगा। अरे अरे का धराया अभी रंगे हाथ, तुम क्या ट्राई कर रहा था हम जान रहे हैं। मतलब गद्दा नाप रहे थे। गद्दा नाप रहा था।